देवास जिला मुख्यालय के खातेगांव ब्लॉक के ग्राम आमला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित है, जिसे सरकार ने आरोग्यम स्वास्थ्य केंद्र किया। फिर भी स्टाफ की कमी के चलते मोटी रकम देकर झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करना पड़ता है। विभाग ने जो कर्मचारी नियुक्त कर रखे हैं, उनके आने जाने का कोई समय नहीं है। एसडीएम के निर्देश पर जब नायब तहसीलदार चंद्रशेखर पवार और हलका पटवारी ने निरीक्षण किया तो पता चला कि फार्मासिस्ट हिमांशु, जो कि इंदौर से सप्ताह में एक बार आकर हस्ताक्षर करके चला जाता है, जिसको लेकर पंचनामा बनाया गया। इधर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हमने विभाग को कई बार अवगत कराया है कि यह तो फार्मासिस्ट है, वह सप्ताह में एक बार हस्ताक्षर करने आता है। साथ ही अस्पताल परिसर में गंदा पानी व कीचड़ जमा है, जिससे कई तरह की बीमारियां फैलने की शंका है। उस गंदे पानी में जीव जंतु पनप रहे हैं, लेकिन इस ओर भी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने बताया कि हमें इलाज के लिए कन्नौद या खातेगांव जाना पड़ता है, जिसकी क्षेत्र से दूरी दोनों जगह की करीब 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में है। वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्र में बारिश के समय सर्दी जुकाम बुखार बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण लोगों को क्षेत्र में अपनी अपनी दुकान सजाए झोला छाप के गिरफ्त में आना पड़ता है, जो बिना कोई जांच किए अपने तरीके से बोतल इंजेक्शन लगाकर मनमानी राशि वसूल करते हैं। गत 24 अगस्त को भी एक गरीब महिला को कुत्ते ने काट लिया था। वह स्वास्थ्य केंद्र पहुंची तो उसे ताला लगा मिला। उसके बाद महिला झोला छाप के पास पहुंचकर 600 रुपए में एक इंजेक्शन लगवाया था। ग्रामीणों ने इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग, जनप्रति आदि को भी अवगत कराया। मुख्य तौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से आरोग्यम हो गया है, इस तरह से जो कर्मी है वह भी समय पर मौजूद नहीं रहते हैं। कई बार स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा रहता है, जिसकी ग्रामीणों ने विगत दिनों वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी व अनुविभागीय अधिकारी से शिकायत भी की गई थी, जिसको लेकर प्रशासन ने मामला संज्ञान में लिया और नायब तहसीलदार चंद्रशेखर पवार खातेगांव व हलका पटवारी को भी निरीक्षण के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमला के लिए भेजा। वहां पर औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया कि मौके पर कई अनियमितताएं देखने में आई। ने जो निरीक्षण किया हॉस्पिटल में, इसमें क्या पाया? फिर हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं देखी, अव्यवस्था भी पाई गई यहाँ पे। तो कुल मिला के एक कोई जो फार्मासिस्ट है वो अनुपस्थित पाए गए हैं, बाकी सभी कर्मचारी उपस्थित थे। पानी की अव्यवस्था बताई है जो यहाँ पे पदस्थ कर्मचारी है उन्होंने, और बाकी सब व्यवस्था ठीक ठीक है। अच्छा सर, ग्रामीणों का कहना यहाँ पे है नहीं वैसे दरअसल। अच्छा, डॉक्टर पदस्थ नहीं है, उसकी पदस्थापना के लिए हमने यहाँ के स्टाफ को बोल दिया है कि वहाँ पे अपने विभाग को संतुष्ट करते हैं, हम भी हमारी तरफ से वहाँ पे। फिर बना क्या पंचनामा भी बना लिया है, जो व्यवस्था पाई गई उसके हिसाब से बनाया कि विधिवत हस्ताक्षर करवाएगा। उसको नोटिस दे दिया हमने, इस तरह से यदि कोई गलती करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये मामला आपके संज्ञान में था इसके पहले? नहीं, ग्रामीणों से शिकायत मिली थी, उसके बाद देखा मैंने तो वह नोटिस जारी कर दिया। अच्छा सर, एक ऐसा कोई वैकल्पिक मतलब साधन नहीं हो सकता है कि कोई डॉक्टर सप्ताह में एक या दो बार इलाज? स्टाफ की कमी होने की वजह से डॉक्टर यहाँ पर भी उपलब्ध नहीं है, तो डॉक्टर जब पोस्टिंग होगी तो ले जाएगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे 3-4 बार फिर भी चले गए, शायद 2 बार तो ये सर्वे थे मैडम में, इनके पास आया था। फिर आपको मिलेगी नहीं? आपको नहीं मिले? नहीं, कितने बार आ गए आप? 3-4 बार आ गया, और आज भी आया हूँ। तो आज भी सर वो इलाज की आया, मैं एक पेशेंट हूँ, क्या ये नाम सर की, और वहाँ पे इंदौर के डॉक्टर आते हैं, तो वहाँ पे अच्छे इलाज होगा, इसलिए आए। तो हाँ, गोपनीय रूप से शिकायत प्राप्त हुई थी, शिकायत के आधार पर जांच करवाई गई, जिसमें एक कर्मचारी विगत कहीं दिनों से अनुपस्थित रहता, सप्ताह में एक बार आते हैं। कर्मचारी फार्मासिस्ट होकर हिमांशु हेदवल हैं, जो इंदौर से प्रतिदिन अप डाउन करते हैं, और सप्ताह में सिर्फ एक दिन आके 7 दिन की सिग्नेचर करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। नायब तहसीलदार से जांच करवाई गई, जांच में सत्य पाया गया कि 29 तारीख के बाद में आज दिनांक तक अनुपस्थित होना पाया गया, और न ही किसी प्रकार का कोई छुट्टी है, न ही रजिस्टर में उसकी सिग्नेचर है। इससे साफ जाहिर होता है कि वो कई दिनों से निरंतर अपसेंट है, और ये जानबूझ से कई दिनों से लापरवाही बरती जा रही है, इसके विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा जाएगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।